प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मसूर दाल का इस्तेमाल से अपना स्किन को टाइटन ब्राइटन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे तो मसूर दाल के काफ़ी सारे पैक्स में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये स्किन को टाइट कर देती है और साथ ही अगर आपका त्वचा जो है काला है और उसको आप ब्राइटन करना चाहते हो, निकार लाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए इन उसका बहुत अच्छी तरह काम करने वाले हैं। जिसको भी आपका स्किन का रंग को निकालना चाहते हो और हमेशा के लिए एंगर और जवान बनाना चाहते हो, तो ज़रूर इस रेमेडी को फॉलो करें। ये पैक एंटी एजिंग पैक है, तो इससे ना स्प्रिंकल्स फाइन लाइंस भी नहीं होंगे, स्किन भी क्लीन होगा, सॉफ्ट होगा और स्पॉटलेस भी होगा और साथ ही निकार भी आ जाता है। इस पैक का खास बात ये है, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसको बच्चे बड़े कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी तरह साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। 100% नेचुरल और सेफ DIY रेमेडी है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने के पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड पर बेल सिंबल रहता है, आप उसको क्लिक करने से मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाती है, तो इसके लिए आप लोग बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। मैं ऑलरेडी मसूर दाल को अच्छी तरह पाउडर बना के इस डब्बे में स्टोर कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को बताई थी मसूर दाल में काफ़ी सारे डे बना सकते हैं, तो इसलिए आप मसूर दाल को अच्छी तरह फाइन पाउडर जैसा बना लीजिए, बना के एक एयर टाइप डब्बा में स्टोर कीजिए, क्योंकि आप बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार बना के स्टोर करने से आपको आराम से 1 से 2 महीने तक आ जाता है, लेकिन अब एयर टाइप डब्बे में स्टोर करना है। अभी इस रेमेडी के लिए मसूर दाल पाउडर चाहिए। मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच मसूर दाल पाउडर और 1/2 चम्मच तुलसी पाउडर, क्योंकि तुलसी पाउडर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहता है, ये अपना स्किन को स्मूथ बना देती है और सॉफ्ट बना देती है, इसलिए मैंने तुलसी पाउडर भी थोड़ा सा 1/2 चम्मच तुलसी पाउडर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि अब मैं रेडीमेड वाला तुलसी पाउडर ले रही हूँ, आप नेचुरली तुलसी पत्तों को अच्छी तरह धूप में 1 हफ्ते तक अच्छी तरह सुखाइए, तभी ये अच्छे से पाउडर बन जाएगा। तो 1 हफ्ते तक अच्छी तरह धूप में सुखा के इसका पाउडर बना के आप स्टोर कीजिए, ये आपको 2 महीने तक पाउडर आ जाते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है दही, तो दही ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा मिक्स कीजिए, क्योंकि इससे स्किन सॉफ्ट होगा, सपुल होगा और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। ये एंटी एजिंग पैक है, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और इसे ये पैक से अपना स्किन जो है बहुत एंगर और जवान दिखता है और ब्राउन स्पॉट्स भी दूर होंगे। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1/2 कटा हुआ नींबू का रस, क्योंकि नींबू में विटामिन सी सिट्रिक एसिड रहता है, ये अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को टाइटन और सॉफ्ट बना देते हैं। तो इस पैक हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसका हर दिन इस्तेमाल से स्किन एंटी एजिंग का प्रॉब्लम रिड्यूस होगा और ये पैक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है। तो यह अभी किस तरह अप्लाई करना है मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो ये मसूर दाल पैक को आप सॉफ्ट चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, चेहरे को फेस वॉश या साबुन से अच्छी तरह धो ले, इसके बाद इस पैक को आप अप्लाई करें। मैं हाथ की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहिए तो फेस पैक या फेस मास्क की ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस पैक में मसूर दाल है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, ये अपना स्किन का एजिंग को रिड्यूस करता है, एजिंग की वजह से स्पॉट्स आता है, पिगमेंटेशन होता है और झुर्रियाँ आ जाती है, फाइन लाइंस होता है, इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स भी हो जाते हैं, तो क्यों ये सब एजिंग की वजह से होता है। तो आप इस मसूर दाल पैक को इस तरह आप अप्लाई करोगे ना, आपका एजिंग का प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगा, स्पॉट्स भी रिड्यूस होंगे इस हर रोज़ का इस्तेमाल से। इससे बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इस पैक को इस तरह बना के अप्लाई कीजिए हर रोज़, आप चेहरे के ऊपर नहीं पूरे बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके 20 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि पैक कम्प्लीटली सूख जाना चाहिए चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर इसके, तभी ये इसका रिजल्ट जो है अच्छी तरह स्किन को मिल जाता है। तो इसके लिए 15 से 20 मिनट कम से कम लगना अप्लाई करके छोड़ना है। इसके बाद स्किन को हल्के से पानी से गीला करके सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको रिमूव कीजिए। ऐसा करने से स्किन पे सारे डेड स्किन सेल्स, डस्ट, गंदगी, मैले रिमूव होके स्किन क्लीन क्लियर होगा और अच्छे से निकार आता है।
तो उस त्वचा को निकाल पाना है तो जरूर इस रेमेडी को ट्राई करें। सो ये था आज की मेरी वीडियो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आप लोगों को कुछ कमेंट्स है, डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहीं पे कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट को मैं जरूर आंसर देती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।